उत्तराखंड में इन दिनों वाहनों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। फिर अभी एक खबर ऋषिकेश एम्स से सामने आ रही है, जहां स्टाफ पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगते ही आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह स्कूटी के आसपास खड़े वाहनों को साइड करके आग की चपेट में आने से बचाया गया। आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटी में आग धधक रही है। आग लगने से स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। नजारा देखकर हर कोई स्कूटी के आसपास खड़े वाहनों को दूर करने के लिए भागा। कुछ ही देर में लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आग लगी स्कूटी के पास खड़े वाहनों को किनारे कर दिया, जिससे आग अन्य वाहनों तक नहीं पहुंची। जब तक एम्स का स्टाफ आग बुझाने के उपकरण लेकर पार्किंग में पहुंचा, तब तक इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। स्कूटी में लगी आग की यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी के गौरा पड़ाव में कूड़ा जलाने के लिए एक व्यक्ति ने घर के पास आग लगाई। आग ड्रेनेज हॉल के रास्ते दीवार को पार कर शोरूम की पार्किंग में पहुंच गई और पार्किंग में खड़े तीन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते तीनों वाहन आग का गोला बन गए। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।